गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टिनी टॉकीज ब्लॉग। तो लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है गर्ल्स आंसरिंग ऑकवर्ड क्वेश्चन व्हिच बॉयज आर टू अफ्रेड टू आस्क। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है देन आई विल गिव द लिंक ऑन माई आई बटन, प्लीज चेक इट आउट। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हिच क्वेश्चन यू फाइंड मोस्ट ऑकवर्ड। थैंक यू। What's your thought on toxic masculinity? तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी बहुत ही गंदी चीज़ है, कभी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली वी गर्ल्स यू नो लुक फॉर दैट सेंसिटिविटी, मगर अभी ऐसे हो गए हैं। मतलब मैंने बहुत सारे लड़कों से ऐसे बात की है इस टॉपिक पे, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में। तो ये लोग बोलते हैं कि ये हमारे में एवोल्यूशन जैसा हो गया है कि हमें किसी के सामने रोना नहीं है, सोसाइटी ने ऐसे बना दिया है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। फैट और थिन, सी इट्स रियली डजेंट मैटर फॉर मी फैट और थिन। अगर वो खुद को अच्छे से मैनेज कर पाता है अपने ड्रेसिंग सेंस, ही इज वेल अवेयर ऑफ हाउ टू एक्सरसाइजिंग हिम एंड फैट और थिन डजेंट मैटर। क्या लड़कियों को अच्छी बॉडी पसंद है? मेरी पर्सनली ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, मुझे बस बियर्ड बॉडी चाहिए। वाई डू ऑल गर्ल्स एक्सपेक्ट टू कडल और टॉक जस्ट आफ्टर सेक्स? Why they don't understand our side? यहाँ पर मतलब हम लड़कियाँ भी सही हैं उनके प्रॉस्पेक्टिव से, लड़के भी सही हैं उनके प्रॉस्पेक्टिव से। तो होता ही हुआ है कि लड़कियों को लगता है जस्ट आफ्टर हैविंग द सेक्स यू नो दे आर इग्नोरिंग और समथिंग। मगर हम तो हमें एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो कडल करे या हम एक अच्छे कन्वर्सेशन पे हो। मगर हम थोड़ा अगर अपने कंफर्ट जोन से, अपने एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल के सोचेंगे तो इट्स अ साइंटिफिक थिंग। तो उनको भी नॉर्मल स्टेट में गेट बैक होने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। जैसे हर लड़कों का ख्वाब होता है कि वो जॉब के फर्स्ट सैलरी से लड़कियों को ये खरीद के देंगे, तो लड़कियों का भी होता है क्या? डेफिनेटली होते हैं, मेरे खुद के हैं कि मैं मतलब जब अच्छी खासी कमाई करूँगी अगर कभी तो डेफिनेटली मैं मतलब चाहती हूँ कि मेरे जो पार्टनर होंगे उसके वार्डरोब में मतलब 5 to 6 मैं महंगे वॉच गिफ्ट करना चाहती हूँ। क्या एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए? सबके लिए ज़रूरी है, ऐसा कोई होता नहीं है कि लड़कियों के लिए है लड़कों के लिए नहीं है। आप कोई भी चीज़ करो, कोई भी काम करो, चाहे बिजनेस करो, जॉब करो, अप टू सर्टेन लेवल आपको ज़रूरत है बेसिक एजुकेशन की। इसके बाद इट्स योर चॉइस कि आपको क्या करना है लाइफ में। व्हाट इफ योर हस्बैंड सडनली वांट टू क्विट हिज जॉब? रीजंस मैटर करते हैं। अगर उसको कुछ स्टार्टअप करना है अपना जॉब क्विट करके, देन हु आई एम टू यू नो स्टॉप हिम। सपोज टेक अ सिचुएशन, टू पीपल्स आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, तो इट्स अनरियलिस्टिक बेसिकली द क्वेश्चन है। तब हम यही सोचेंगे ना, यही कंपेयर करेंगे कि किसकी सैलरी ज़्यादा है, किसके कंपनीज के टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं। तो द पर्सन हु इज अर्निंग मोर एंड जिसके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे होंगे वो ऑफिस जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा तो वो घर रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब लड़की लड़का ये कुछ नहीं होता है, मेरे लिए तो नहीं। मतलब हाउ मच मनी इज इम्पॉर्टेंट यार, एक ही क्वेश्चन पहले भी आंसर दे चुकी हूँ। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी कैन बी अ सोल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम्स। How long does it take to a girl to get out of a breakup? Okay. For me, 1.5 years I'm still counting. Does possessiveness affect the relationship? For me, possessiveness, insecurity, whatever you will say, it's a way to convey the opposite person that how much you love him or you have a fear in your mind to lose him, and you have to balance the trust and insecurity both. Two qualities to look for in your husband. Passionate होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं सिर्फ he is doing for his you know earnings and survival. उसको मतलब उसको छोड़ के भी कुछ चीज़ों को लेके passionate, जो भी कर रहा है passionate होना चाहिए, कोई passion होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि बहुत इनसे होता है ना, तो एक दूसरे को अपने लिए time मिलता है, प्राइवेसी मिलती है एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है बोथ साइड से। एंड ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि लड़कियों को रिस्पेक्ट करें, दिस
These are the two things I will look for. क्या लड़कियों के दोस्तों के भी सेम क्रश होते हैं? जरूर होते हैं, बिल्कुल होते हैं. अब एक बात यहाँ पर है, मुझे लगता है कि लड़कों के मामले पे लड़के ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के लिए लॉयल होते हैं. अगर अपने फ्रेंड के लिए वो और एक बंदा ठीक है तेरी बंदी है मैं साइड हो जाता हूँ, ऐसा होता है. लड़कियों के मामले में दिखाते कुछ और है लड़कियाँ, पीछे कुछ होता और है. डू यू एक्सपेक्ट टू बी योर बॉयफ्रेंड फेमिनिस्ट? यस आई डू एक्सपेक्ट. जेंडर बायस इज डिफरेंट एंड फेमिनिज्म इज डिफरेंट. सो यस आई वुड एक्सपेक्ट टू बी अ फेमिनिस्ट. विच आर द टू थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ डेट? फॉर मी, मैं बहुत आउट ऑफ ट्रेंड गाने सुनती हूँ. सो इफ आवर प्ले लिस्ट मैचेस मीन्स मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगी कि प्ले लिस्ट मैचेस, मतलब बहुत अच्छी बात है मेरे लिए. एंड द सेकेंड थिंग याद आया फाइनली कि मेरे लिए ना फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. नॉट गोइंग टू लुक्स कि लुक्स मैटर करते हैं, नहीं. सो व्हाट्स योर बिगेस्ट टर्न ऑन फॉर अ गाय विद अ गुड ड्रेसिंग सेंस? योर बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर अ गाय? इफ आई एम टॉकिंग विद हिम एंड ही इज नॉट लिसनिंग टू मी केयरफुली और कॉलिंग द फोन, देन इट्स माई बिगेस्ट टर्न ऑफ. Prefer light off or on? So ऐसा है कि मुझे daylight, I like daylight, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा. मगर मतलब रात को वो आंखों के सामने लाइट जलती रहती मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़. मैं यूजुअली भी डे बेसिस में भी मेरे खुद के रूम के लाइट कभी ऑन नहीं रखती हूँ, बाजू वाले रूम के लाइट ऑन रखती हूँ. सो इट्स नॉट अबाउट दैट यू नो व्हेन यू आर गेटिंग इंटरमिटेंट. सो आई ऑलवेज प्रेफर लाइट्स ऑफ. What's the girl's topmost secret? The girl's topmost secret is when you think that okay, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. Actually, at that time we know everything, or we are just pretending that we don't know anything. Okay, it was nothing. I was kidding basically. For me, I'm damn lazy. मुझे अगर कोई बेड पे खाना सर्व करे और मेरा बस चले तो 15 दिन मैं यही रूटीन फॉलो करती जाऊँ कि eat. Sleep, bath and repeat. मूवी भी नहीं देखनी है मुझे, यही करना है बस, इतनी लेजी हूँ मैं. डेट टिप्स यू वॉन्ट टू गिव द गाइज? मेरे पास एज सच कोई टिप्स नहीं है, मगर अगर तुम मेरे साथ डेट पे आ रहे हो, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी विद दैट सॉफ्ट टॉयज और क्यूट टेडी बेयर्स. मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हूँ उससे. एंड डोंट गिव मी एज अ बर्थडे गिफ्ट ऑल्सो. मुझे पसंद है कि वो मेरे रूम पे रहे, मगर डेट में या बर्थडे में वो सॉफ्ट टॉयज लेके आना, मैं वैसी टाइप्स नहीं हूँ बिल्कुल भी. ओके, थ्री टिप्स ऑफ बिकम अ गुड बॉयफ्रेंड. ओके, द फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ वुमेन्स हाइजीन. सेकेंड थिंग इज यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रोमांस एंड सेक्स. दिस All I am saying for it's my opinion. And the third thing, basic courtesy होनी चाहिए कि कोई लड़की है, doesn't matter वो girlfriend हो, friend हो, you know, मेरी मम्मी हो, मेरी बहन हो, वो चेयर आगे कर देना या कोई लड़की स्टेयर से आ रही है, just be decent, हाथ पकड़ लो, don't flirt, give her respect. मुझे ये पसंद आती है. So ठीक है. What's your thought on friends with benefit? If it is a mutual thing, if it is okay from both sides, then they can do it. What's your thought if two girls are dating? See, if two girls are thinking that they can fulfill themselves, then who am I and you to judge them, right? What is the best part of being a female and the worst one? The best part of being female is we can give birth to a child, and this is itself a blessing. And the worst one is we are being judged and criticized. लोग बिना जाने बिना समझे पूरे चीज को हमें जज कर लेते हैं. What's your wildest fantasy? I don't want to share this here. Do you have any crush? मैं मतलब बहुत ना सीरियस वाले क्रश वो है मेरे,
वो सेलिब्रिटी क्रश वो टर्म में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, मेरे क्रश के साथ मेरी बातें भी होती है. डू यू गर्ल्स फैंटसाइज फॉर अ रिलेशनशिप विद योर जूनियर्स? मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से सुना है इस बारे में कि जूनियर्स के साथ फैंटेसी होती है लोगों की, मगर पर्सनली मेरे नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा मैच्योर, आई लाइक मैच्योर गाइस. मनी और बॉयफ्रेंड, राइट नाउ मनी. क्या तुम लड़कियां भी अपने फ्रेंड्स को कोई बंदे का पिक्चर भेज के बोलती हो कि भाई ये कितना सही है? हाँ बोलते हैं, ज़रूर बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, मगर यूजुअली मैं मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स को ऐसे नहीं भेजती हूँ. मतलब 5-10 लोग हैं जो मेरे बहुत करीब के हैं, मैं उन्हीं को सिर्फ भेजती हूँ. इफ़ यू रियली लाइक अ बॉय तो तुम फोकट में उसको इग्नोर क्यों करते हो? लगता है ये जिसने पूछा है बहुत गुस्से से पूछा है. ये करते हैं, ये ना लड़कियों की आदत होती है, सुकून नहीं मिलता है इसे किए बिना. एंड मतलब अगर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा जाए, किसी के साथ भी इतना जल्दी ओपन अप होना भी नहीं चाहिए. ये भी एक मतलब अगर तुम थोड़ा लॉजिक लगा के सोचोगे तो ये भी एक चीज़ है. क्या तुम इंस्टा पे किसी अननोन लड़के को रिप्लाई करने से पहले अपने फीमेल फ्रेंड्स को पूछती हो? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ कि मुझे किसके साथ बात करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसको इग्नोर करना है, सो मैं यूजुअली नहीं पूछती हूँ. क्या लड़कियाँ अपने हस्बैंड में अपने पिता को ढूंढती हैं? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यस, मे बी वो केयरिंग नेचर जो होती है वो शायद. फॉर मी मैं बहुत ज़्यादा मतलब पापा को जान चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ, वाकिफ हूँ कि वो कैसे हैं. अभी मुझे थोड़ा अलग एक्सप्लोर करना है. सो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि इसको ऐसा होना पड़ेगा. एवरीवन इंडिविजुअल, पापा हस्बैंड की तरह नहीं बन सकते, हस्बैंड पापा की तरह नहीं बन सकते. मैं मेरे लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. सो आई होप यू गाइस लाइक टुडेस वीडियो एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर. And if you're new to my channel, then please consider subscribing it and hit the bell icon to get notified when I upload a new video. Bye-bye, take care, love you, stay safe. Ta-da!